BLW कर्मचारियों के लिए लॉन्च हुआ RESS मोबाइल ऐप, मिलेगी ऑनलाइन PF विड्रॉल की सुविधा। बनारस रेल इंजन कारखाना की महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा सोमवार को BLW कर्मियों के लिए सुविधा का विस्तार करते हुए RESS मोबाइल पर ऑनलाइन PF विड्रॉल एवं ट्रैकिंग की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसमें BLW कर्मियों की व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे आधार, पैन, बैंक विवरण, वेतन विवरण, भविष्य की निधि खाता, आयकर, अवकाश विवरण, पारिवारिक विवरण पहले से ही उपलब्ध है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों ने मनाया काला दिवस, किया 1 घंटे अतिरिक्त कार्य। अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी 13 सूत्रीय मांगों को काफी समय से अनसुनी किए जाने के विरोध में सोमवार को केंद्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से 1 घंटे अतिरिक्त कार्य करके अपना विरोध प्रकट किया। गैर शैक्षिक कर्मचारियों की मांग है कि उनकी कैडर रिव्यू, बोनस, महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली संघ आदि मांगों को पूरा किया जाए। वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए बनारस पहुंचे मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी। क्राइम थ्रिलर बिच्छू का खेल की प्रमुख जोड़ी दिवेंदु और अंशुल चौहान अपने वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए सोमवार को वाराणसी पहुंचे। दिवेंदु और अंशुल ने शो की काफी शूटिंग वाराणसी में की है। इस दौरान दिवेंदु और अंशुल ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती भी की। दिवेंदु ने कहा कि वाराणसी अब मेरे लिए दूसरे घर जैसा हो गया है। दिवेंदु इससे पहले मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना त्रिपाठी के रोल में काफी सराहना बटोर चुके हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर ट्रस्ट बनाकर ठगी करने के मामले में कैंट पुलिस द्वारा जेल भेजे गए 3 आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा के द्वारा सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। तीनों आरोपियों अजय पांडे, रविंद्र पांडे, सहवास खान के ऊपर लगाए गए आरोपों के आधार पर न्यायालय ने जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाने पर जमानत खारिज कर दी है। बता दें कि तीनों आरोपियों द्वारा फर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन कल्याणकारी ट्रस्ट बनाया गया था। बिहार चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से पहले वाराणसी पुलिस ने हरियाणा से बिहार ले जा रही 205 पेटी अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। रोहानिया पुलिस की कार्रवाई में 1822 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बिना लाइसेंस अवैध पटाखा बेच रहे दुकान पर चौक पुलिस ने मारा छापा, 7 क्विंटल पटाखा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार। थाना चौक पुलिस ने भीखा शाह गले स्थित दुकान में छापा मारकर बिना लाइसेंस अवैध विस्फोटक पटाखों का भंडारण किए गए कुल 721 किलोग्राम से ज्यादा अवैध विस्फोटक पटाखों को जब्त कर दुकानदार फैजल खान को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में इस वक्त अवैध पटाखों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। गंगा को प्रदूषित करने वालों से योगी सरकार अब सख्ती से निपटने जा रही है। इसकी शुरुआत लापरवाह कंपनियों और संस्थानों से हो गई है। नमामि गंगे विभाग ने एसटीपी संचालन में लापरवाह कंपनी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। नमामि गंगे विभाग की टीमें प्रदेश के करीब दर्जन भर एसटीपी पर छापेमारी कर मानक और गुणवत्ता की जांच कर रही है। आज बनारस में जो बदलाव दिख रहा है वो पीएम मोदी की देन है, ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सोमवार को प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कमिश्नरी सभागार मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में विकास की गति को आगे बढ़ाया है। आज जो बनारस बदला बदला सा नजर आ रहा है वह पीएम मोदी के अथक प्रयासों की ही देन है। वास्तव में आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूं। आज जो बनारस काशी बदला बदला दिख रहा है और काशी की गौरव पूरी दुनिया के अंदर प्रसारित हो रहा है और दुनिया के भी राष्ट्रपति आकर हिंदुस्तान में और वो विशेषकर काशी में गंगा आरती और भोलेनाथ का अभिषेक करके जो शक्ति अर्जित करते हैं, जो स्नेह प्राप्त करते हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यानी उनके परिवार को भी खुशहाली मिलती है और काशी के माध्यम से पूरे प्रदेश और राज्य को भी खुशहाली मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 614 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने 16 योजनाओं का लोकार्पण और 14 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने काशी की बास्केटबॉल प्लेयर प्रशस्ति सिंह, पक्के महल की गृहिणी नीलिमा मेहता और चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट के उद्यमी विपिन अग्रवाल से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को दीपावली सहित आगामी त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर लोकल फॉर दीपावली का मंत्र दिया और लोगों से दीपावली के पर्व पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित किया। काशी को काशी ही प्रकाशित करती है और काशी सभी को प्रकाशित करती है, इसलिए आज विकास का जो प्रकाश फैल रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ये सब काशी और काशीवासियों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। काशी के आशीर्वाद से ही साक्षात महादेव का आशीर्वाद है और जब महादेव का आशीर्वाद है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। मुझे विश्वास है कि काशी के आशीर्वाद से विकास की ये गंगा ऐसे ही कल कल करती रहेगी, अविरल बहती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया बीज की हार्दिक बधाई। और मेरा आपसे एक आग्रह और भी है, आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएंगी। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही। जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। वाराणसी में सोमवार को 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 2 मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। सोमवार को 63 लोग होम आइसोलेशन से और 2 व्यक्ति अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 282 है। अब तक 17,505 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 16,490 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 733 है।